मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 28वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ें। जो व्यवस्था का पालन करता वो समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाव का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। आज सुबह के समय हम लोग परमेश्वर का कार्य एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार होता है उस बात को ध्यान दे रहे हैं। जब एक व्यक्ति अपने पापों को मानता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु कर स्वीकार करता है, उस समय परमेश्वर कैसे उसके जीवन में काम करता है। उसी क्षण परमेश्वर, जब वो व्यक्ति अपने पापों को मानता है, उसी क्षण परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे पाप के विषय में कायल किया उसके अंदर एक कार्य आरंभ करता है, ताकि इसका स्वभाव परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव जैसे हो। सबसे पहले तो उसको पाप के विषय में कायल किया, फिर उसके अंदर रूपांतरण का काम हुआ, यानी एक नया जन्म का अनुभव है। और इस अनुभव में हुआ क्या है, परमेश्वर का वचन जो बीज है उस बीज ने जड़ पकड़ा है और एक नया मनुष्य अंदर सिरजा गया है। परमेश्वर ने एक नया सृष्टि का काम किया है और ये जो नया मनुष्य जन्म लिया है ये परमेश्वर से जन्मा है, ये परमेश्वर को प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन को प्रेम करता है। एक समय था जब ये अपने लिए जीता था, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन अब ये परमेश्वर के वचन को बहुत प्यार करता है और जब वो उसे पढ़ता है और मनन करता है तो बहुत आनंदित होता है। और इसके अंदर की तमन्ना है कि अब इस वचन के अनुसार चलना है। उसका परमेश्वर के साथ का संबंध किसी आर्थिक चीजों के लिए नहीं है, वो और कुछ परमेश्वर से नहीं चाहता। वो अभी सृष्टिकर्ता के साथ एक संबंध में आया है, वो अपने सृष्टिकर्ता को अपने पिता के तौर पर देखने लगता है और अपने पिता के हर बात को मानने की चाह रखता है। ऐसे एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा उसे सहायता करती है। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को महत्व देता है, उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर की आत्मा मदद करती है, क्योंकि यह व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को संभालता है, महत्व देता है, परमेश्वर के साथ के संबंध को महत्व देता है। वो उसे हल्का नहीं लेता। प्यारे अर्जीजो, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देते हैं तो उसकी एक आशीष हमारे जीवन में अनुभव होती है। जब एक व्यक्ति प्रभु को प्यार कर प्रभु के मार्ग में चलता है तो वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे प्रभु दुखी हो। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है और वो सामर्थ दैवीय सामर्थ है जो एक व्यक्ति को मसीह के स्वरूप और समानता में बदलती है, इसकी पूरी सोच में बदलाव आ गया, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया। अब इसके फैसले लेने में वो परिपक्वता दिखती है। ये अब जब परमेश्वर का वचन सीखता है तो दूसरों को सिखाने के मन से नहीं कर रहा, वरन ये वचन सीखता है ताकि मसीह की तरह इसका स्वभाव हो, और ये बात को सुनिश्चित करता है कि जो कुछ भी वो करे वो वचन के अनुसार हो। उसकी इच्छा है कि परमेश्वर की महिमा हो। और ऐसे एक व्यक्ति को परख का वो दान भी परमेश्वर देता है। कैसी परख? जिसके द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें और जो जो बातें परमेश्वर को दुखी करती हैं, इन दोनों के बीच में वो अंतर पहचान पाता है। अब हम इस वचन के दूसरे भाग में आते हैं, उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में जिसका स्वभाव ऊपर सुने हुए उस पुत्र से बिल्कुल भिन्न है। ये उड़ाऊ है, बाकी
जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं उनके साथ ये दोस्ती करता है। इसने कैसे दोस्त चुने जरा देखें, और इसका जीवन भी उनकी तरह ही हो जाता है। हम सब उस उड़ाव पुत्र का दृष्टांत जानते हैं, हमने सुना है, सीखा है कैसे उस बेटे ने अपने जीवन को बर्बाद किया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उसके बच्चे का, उस व्यक्ति का व्यवहार ने कैसे उसके पिता को दोस्तों के सामने बदनाम किया। बाद में उसे एहसास हुआ उसकी गलती का और वापस आता है, और जब वापस आता है तो वो देखता है कि जिस पिता को उसने लज्जित किया था, दुख पहुंचाया था, वो पिता कैसे उसके लिए इंतजार कर रहा है। उसका पिता उसे फिर भी प्यार करता है। यह है पिता का हृदय। जब उसका बेटा वापस आया, पिता आनंदित हुआ। परमेश्वर का वचन हमें चौकस करता है कि हम परमेश्वर हीन दोस्तों के साथ संगति ना करें। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करके अपने मार्गों में जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए इंतजार करता है, हमारे जीवन में कार्य करता है ताकि हम वापस आए। और जब हम वापस आने का मन बनाते हैं और जब आ रहे होते हैं, ध्यान रखें, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की करुणा घर से भागे भागे आती है हमें गले लगने के लिए, हमें घर में वापस स्वीकार करने के लिए। आज सुबह के समय आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें, क्या मैं एक ऐसा पुत्र हूं जिससे पिता प्रसन्न है? क्या मैं पिता के वचन को संभालता हूं, या मैं अपने चाल चलन से अपने पिता को दुख पहुंचाता हूं? क्या स्वर्ग मेरे जीवन से प्रसन्न है? परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करें स्वर्ग की महिमा के लिए जीने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, हम मानते हैं हमने आपको दुख पहुंचाया है, लेकिन आपने जब हमारे जीवन में काम कर हमें आपकी पहचान में लाए, इन दिनों में आपके वचन को ज्यादा महत्व देते हुए, प्रभु आपके वचन को अपने हृदय में संभालते हुए आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद करें, हमें ज्ञान और समझ दे। जो भी फैसले हम करें आपकी इच्छा के अनुसार हो, जो भी हमें देखे आपकी महिमा देखे, सब महिमा आप ही को देते प्रभु। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा